बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने आज इस मामले में शहाबुद्दीन समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। आरोप पत्र में शहाबुद्दीन पर आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मुजफ्फरनगर की विशेष सीबीआई कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई का मानना है कि इस मर्डर केस के तार सिवान जेल से जुड़े हुए हैं। इस चार्जशीट में मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ लद्दन मियां, ऋषि कुमार जायसवाल, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और सोनू कुमार गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 302 के साथ ही आर्म्स एक्ट सेक्शन 34 के तहत आरोप दाखिल किए गए हैं। वैसे इससे पहले शहाबुद्दीन के नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए सीबीआई ने विशेष अदालत में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान शहाबुद्दीन ने अपना पक्ष रखा था। शहाबुद्दीन का कहना था कि नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या बीते साल 13 मई 2016 में सिवान में कर दी गई थी। हत्यारों ने उन्हें कई गोलियां मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में बाहुबली शहाबुद्दीन समेत 10 लोग अभियुक्त हैं। हत्याकांड के आरोपी शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।